नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि एयरफोर्स ऑफिसर्स कैसे बने। पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एयरफोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, एयरफोर्स मतलब आने वाले जनरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और एयरफोर्स में जो लोग जाना चाहते हो अपने ड्रीम को कैसे कंप्लीट करें। पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एयरफोर्स ऑफिसर्स कैसे बने। सब लोगों ने विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में सुना होगा कि कैसे विंग कमांडर ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और अपनी बहादुरी से पूरे इंडिया का नहीं पूरे दुनिया का दिल जीत लिया। तो इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे आपको कि विंग कमांडर अभिनंदन जैसा एयरफोर्स ऑफिसर कैसे बना जाता है। जैसे आप लोग अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उसकी क्राइटेरिया है ना एजुकेशन की, वो है 12th। 12th करने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो एज लिमिटेशन है वो 16.5 से लेके 19 साल तक है, 20 साल तक है। और जो जो लोग एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, पहली बात तो फिजिकली बहुत फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट इन द सेंस की मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों ओवरऑल कह सकते हैं कि फिट होना चाहिए। मतलब बॉडी में कोई ब्रेक नहीं होते। मैं आपको बता दूं, जैसे मेरी फिंगर्स में ये फिंगर टूटी हुई है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो नहीं होने चाहिए और जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें छांट दिए जाते हैं। और चलिए बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए। सबसे पहले आपको अगर 12th में हो तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो एयरफोर्स का होता है। वो एग्जाम आप क्रैक करोगे 12th के बाद, 2 से 3 बार आई थिंक ईयर में होता है ये एनडीए का एग्जाम। एनडीए के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स में आप जाते हो, जैसे आर्मी में हो गया, उसके बाद एयरफोर्स में हो गया। उसके बाद अभी मैं एयरफोर्स के बारे में बता रहा हूं। तो एनडीए आपने मान लीजिए क्रैक कर दिया 12th के बाद, एनडीए करने के बाद वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो होता है एसएसबी होता है। एसएसबी से आपको गुजरना पड़ेगा। एसएसबी 4 डेज का इंटरव्यू प्रोग्राम होता है, और एसएसबी अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद फाइनल आपका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप होने के बाद आप एज ए ऑफिसर समझ लीजिए, जो सेना में आपकी ट्रेनिंग होती है, एयरफोर्स में ट्रेनिंग होगी, आप डिफरेंट पायलट के साथ डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको एक सफल जो एयरफोर्स अधिकारी बनाया जाता है। स्टार्टिंग में जाते हैं आप अधिकारी नहीं बन जाते, स्टार्टिंग में आपको कुछ छोटी लोअर लेवल की पोस्ट दी जाती है, आपके काम के अकॉर्डिंग पोजीशंस बढ़ती रहती हैं। लेकिन जो जाने का प्रोसीजर मैंने बताया कि एनडीए से लेके एसएसबी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मेडिकल चेकअप होता है, जो फिजिकल टेस्ट होता है वो भी बड़ा टफेस्ट एग्जाम होता है। तो ओवरऑल आपको मतलब मेंटल से लेकर के फिजिकली दोनों बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है, तभी आप विंग कमांडर अभिनंदन जैसा एक सफल एयरफोर्स ऑफिसर्स बन सकते हैं। और एयरफोर्स ऑफिसर्स ज्वाइन करने के लिए जो एज लिमिटेशन है उस पर ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एज एक लिमिट के बाद, एज लिमिट के बाद ये जो डिफेंस है अपना आर्मी है नहीं लेता है। तो आप ये समझ लीजिए इन सब चीजों में आने के लिए आप अगर 22-24-25 साल तक अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं उसके बाद तो फिर मुश्किल ही समझिए इन सब चीजों में आने के लिए। तो जो दोस्त जाना चाहते हैं एयरफोर्स में, वो लोग अपनी प्रतिक्रिया दें वीडियो में कमेंट करके कि क्या मतलब उनकी इच्छाएं हैं और क्या वो तैयारी कर रहे हैं, क्या ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जहां हम सिलेबस की बात करें, तैयारी की बात करें, तो बहुत सारे सिलेबस हैं और बहुत सारी चीजें हैं, रीजनिंग से लेकर के जीके से लेकर बहुत सारे सिलेबस आपको खुद देखने पड़ेंगे। लेकिन मैंने बस आपको तरीका बताया कि जिन लोग को नहीं पता था कि एयरफोर्स में एंट्री कैसे की जाती है, कि दरवाजा मैंने बताया कि कैसे नॉक नॉक करके आपको एंट्री करनी है एयरफोर्स में। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।